लेकिन अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम। ये हमने आज पांच फैमिली योम किया थी कश्मीर के हवाले से, ये सारी कावेश और मेहनत आप भी जमहूर सरप्रस्त खान फुटबॉल क्लब को जनरल सेक्रेटरी राजमोहन सलीम साहब किए, तो आज के मैच में क्या रोशनी डालेंगे और हमारे इस तरफ को क्या ये सारी मेहनत के बाद अगर साहब के लिए और तैमूर साहब के लिए जिन्होंने इतना वक्त निकाला है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। बहुत कुछ कर रहे हैं फेडरेशन की सतह पे, कोई फुटबॉल का माह निकाल सकते पाकिस्तान में। हम लोग भी हैं जो खुद अपने खर्चे से जो है कर रहे हैं, टूर्नामेंट करा रहे हैं। बाकी हुकूमत का या फेडरेशन का कोई जो है ना सोतीली माँ जैसा फुटबॉल के साथ सहयोग किया जाता है। अभी पाकिस्तान की टीम गई है नेपाल में, उधर मैच हुआ है, किसी टीवी चैनल में नहीं बताया, ना ही किसी को पता है कब हुआ है कब नहीं। सिर्फ एक नेट पे आया था, उस पेज पे दिया गया है। तो बाकी ये जो खुद अपनी मदद आप करते हैं, लोग अपना खर्चा सब वक्त करते हैं, मैं भी इसका बात का देखा कि फेडरेशन में जो बैठे हुए पाकिस्तान फेडरेशन में आज तक कोई सही बंदा नहीं है। सही आए फीफा बहुत ज़्यादा माली मदद देता है पाकिस्तान क्लब लेवल पर, असल जो है क्लब लेवल पे इमदाद मिलनी चाहिए, जितना फुटबॉल बेहतर हो सकता है क्लब लेवल तक एक रुपया नहीं पहुँचता। ठीक है, तो आपसे यार लास्ट क्वेश्चन करो यार, यंग लड़कों के बारे में आपका क्या कहना है जिन्होंने आज हमारी टीम से भी खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस और आपकी टीम की माशाल्लाह खेले हैं, तो इस पे नजरसानी कुछ करें। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे हैं, यंग टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, अगर तवज्जो दी जाए बहुत अच्छे हैं। यहाँ से मेसी बन सकते हैं, मैराडोना बन सकते हैं, रोनाल्डो बन सकते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जब तक हुकूमत मुलव्वस नहीं होंगे, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, मीडिया कवरेज नहीं देगा, तो बहुत मुश्किल है कि हम लोगों का मुकाबला करें। बाकी सिलेक्टर हमारे नौजवानों में यही, अगर बाहर किसी मुल्क में आते हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर। तो आखिर में हम अपने खान फुटबॉल क्लब के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि आप पाँच छः साल से इधर आ रहे हैं, राज साहब के साथ आप रहते हैं, तो खान फुटबॉल क्लब और स्टेडियम के बारे में आपका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या कहना है कि मैनेजमेंट ये मैं पाँच छः साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। राजा साहब और तैमूर खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मस्जिद भी अभी बनी है और ग्राउंड बेहतर से बेहतर हो रहा है, ये टूर्नामेंट कराते हैं हर साल आज पाकिस्तान, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं। अभी ये कह रहे हैं तो अल्लाह इनको बेहतरी की हो, मैं खुद कर रहे हैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि पढ़ाई के बाद जो टाइम आपके पास बचे ना तो वो ग्राउंड में गुजारे, क्योंकि इस उम्र में जो है ना नौजवान जो होता है ना 18-20 साल का, उसमें इतना ताकत होती है, वो कुछ ना भी खाए ना तब भी उसमें ताकत होती है, और ताकत को निकालने की बेहतरीन जगह उसकी ग्राउंड है। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया आपने हमको टाइम दिया।